Hello friends, welcome to our YouTube channel Storming Minds, and our today's topic is definition of 1 Kelvin. तो 1 Kelvin की आज हमें definition पढ़नी है. तो देखो, एक physical quantity होती है जिसको हम बोलते हैं temperature, और इस temperature का जो SI unit है वो होता है Kelvin, यानी कि temperature को हम Kelvin में measure करते हैं, और जिसका symbolic representation है Kelvin का K से इसको denote करते हैं. तो देखिए, वैसे तो जो है टेम्परेचर को मेजर करने के और भी काफ़ी सारे यूनिट होते हैं. फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं हम, डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं, लेकिन जो SI यूनिट है वो क्या है, वो है केल्विन. तो देखो, हमें 1 केल्विन को आज जो है वो डिफाइन करना है, केल्विन की डेफिनेशन पढ़नी है. तो केल्विन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर होता क्या है. तो सबसे पहले अभी हम जो है वो टेम्परेचर की बात करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है. तो टेम्परेचर का डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. देखो, जब भी हम किसी भी बॉडी को टच करते हैं, सपोज दिस इज ए पेन एंड दिस इज ए बॉडी, इसको मैं टच करूँगा तो या तो मुझे ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा. तो किसी भी चीज़ को हम टच करते हैं तो या तो वो हमें जो है वो ठंडी लगती है या फिर वो चीज़ हमें गर्म लगती है. तो कितनी ठंडी लगती है या कितनी गर्म लगती है, ये जो सेंसेशन है जो हम फील करते हैं, कूल फील करते हैं या फिर हॉट फील करते हैं, यही चीज़ टेम्परेचर कहलाती है. तो जब हम किसी चीज़ को छुएं तो वो कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, उस चीज़ को किस में नापें, तो वही चीज़ हम जो है वो आज उसको हम जो है वो केल्विन में मापते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. तो कितने मतलब टेम्परेचर को हम जो है वो 1 केल्विन माने, यही आज का जो हमारा वो है मुद्दा है. अब हम केल्विन को पढ़ने से पहले एक बार हम जो है डिग्री सेंटीग्रेड जो है एक स्केल होता है, सेल्सियस स्केल, उसको पढ़ते हैं. हम जो है डेली बोलते हैं कि आज जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आज जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो जो तापमान हम जो है मापते हैं एटमॉस्फेयर का, वो डिग्री सेंटीग्रेड में मोस्टली देखने को मिलता है. तो देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड क्या डेफिनेशन कैसे बना था, उसके लिए डिग्री सेंटीग्रेड को डिफाइन करने के लिए हमने H2O यानी कि वाटर का हेल्प लिया. हमने क्या किया, एक मीटर बनाया, इस तरीके से एक ट्यूब बनाई, दिस इज ए ट्यूब जो रेड कलर से आप देख रहे हो, इसके अंदर हमने मरकरी डाल दिया. मरकरी इज ए लिक्विड मेटल, और ये जो है जब इसको हीट मिलता है मरकरी को तो ये एक्सपेंड करता है. तो हमने क्या किया, H2O, सॉलिड H2O लिया. सॉलिड H2O का मतलब आइस लिया, दिस इज आइस पीस, ये हमने आइस पीस लिया, आइस, ठीक है, यानी कि ये आइस इज ए सॉलिड H2O, ठीक है. जब हमने आइस के ऊपर इस मीटर को यानी कि इस ट्यूब को जो हो टच करवाया, तो ये जो मरकरी है थोड़ी सी एक्सपेंड हुई, मान लो ये यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई. तो जहाँ तक मरकरी गई, उस चीज़ का हमने उस पॉइंट का नाम रख दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर हमने क्या किया, इसी स्केल को, इसी ट्यूब को जिसके अंदर मरकरी है, इसको हमने जो है वो उबलते हुए पानी में यानी कि बॉइलिंग वाटर के अंदर, सपोज दिस इज ए कंटेनर, और इस कंटेनर में अब जो है हम पानी ले लेते हैं, तो इस उबलते पानी में यानी कि बॉइलिंग वाटर में जब डुबोया गया इसको, इस रोड को, तो ये टेम्परेचर है ये बढ़कर के जो है, सॉरी, तो ये जो मरकरी है ये एक्सपेंड हुई, और एक्सपेंड होके ये इस ट्यूब के अंदर चढ़ गई और यहाँ तक आ गई, सपोज कीजिए. और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका नाम रख दिया. अब 0 to 100 के बीच में हमने 100 डिवीजन बना दिए इस तरीके से, और इस एक डिवीजन को, कोई सा भी एक डिवीजन देख लो, इस गैप को, मतलब ये दिस इज डिवीजन, इन दो डिवीजन के बीच का जो गैप है इसको बोला गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डेफिनेशन है, इस तरीके से जो है वो सेल्सियस स्केल बना था. फिर जो है हमने जो है स्टार्टिंग में जो है वो सेल्सियस जो है वो यूनिट थी किसकी, टेम्परेचर की, बाद में यूनिट हमने बदल दी, वो क्या बना दी, केल्विन बना दी. अब केल्विन का जो डेफिनेशन है वो एक अलग कंसेप्ट के ऊपर दिया गया, वो दिया गया वाटर जो होता है उसके टिपल पॉइंट के ऊपर. तो वाटर जो होता है उसका एक टिपल पॉइंट होता है, तो वो टिपल पॉइंट हमने समझना है. मैंने यहाँ पे नोट लिख के यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है टिपल पॉइंट ऑफ वाटर की. टिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर एट विच आइस द वाटर
एंड द वाटर वेपर कोएग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर हमारा जो है H2O है वो सॉलिड फॉर्म में भी होगा, सॉलिड यानी कि यदि पानी को हम जमा दें तो वो सॉलिड फॉर्म बन जाएगी आइस, और यदि लिक्विड फॉर्म में H2O तो उसको हम वाटर बोलते हैं, और यदि हम जो है पानी को उबाल दें तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं तो उसको वाटर वेपर या गैस बोल सकते हो। तो मैटर की तीन स्टेट हो गई, आइस, मैटर, जैसे हम H2O की बात करें तो H2O की कौन कौन से तीन स्टेट हो सकते हैं, सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और गैस में वाटर वेपर। तो ये तीनों की तीनों स्टेट यदि हम एक टाइम पे देख पाएँ तो वो जो पोजीशन है, वो जो पॉइंट है, वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है पानी का। तो ये हम कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम जो है नॉर्मली देखते भी हैं और ये चीज़ हमने देखी भी हुई है। सपोज कीजिए कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये है पानी H2O, H2O इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड में है ये, एक स्टेट हो गई। इसके अंदर हम आइस क्यूब डाल देते हैं, सपोज दिस इज द आइस क्यूब, दिस इज द आइस क्यूब, आइस क्यूब हमने डाल दिए। तो अब कितनी स्टेट हो गई इस कंटेनर के अंदर, इस ग्लास में कितनी चीज़ें हो गई, यहाँ पे लिक्विड H2O हो गया पानी, और सॉलिड H2O क्या हो गया, सॉलिड H2O हो गया यानी कि आपका आइस। और यदि हम यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा हिला दें या फिर इसका प्रेशर ऊपर का थोड़ा सा कम कर दें, तो इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा सा कम करें तो इसमें से वेपर्स भी निकलने लगते हैं। तो एक टाइम पे हम तीनों चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, और एक टाइम पे तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करें तो वही पॉइंट जो है वाटर का क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। तो केल्विन को डिफाइन करने के लिए हमने किसका सहारा लिया, वाटर के ट्रिपल पॉइंट का। तो जब ऐसा हो, कैसा, जब ऐसा हो, ये चीज़ जब जो है वो देखने को मिले, यानी कि ये कंटेनर है, कंटेनर में आइस है और लिक्विड वाटर भी है और जो है वेपर्स भी निकल रहे हैं, तो यानी कि ट्रिपल पॉइंट वाली कंडीशन है। तो ट्रिपल पॉइंट की जो कंडीशन है उस टाइम पे वाटर का कितना टेम्परेचर है, तो इस थर्मोमीटर को हम इसमें डुबोएंगे, डिप करेंगे। तो डिप करने के बाद ये देखा गया कि ये जो सेल्सियस स्केल है ये टेम्परेचर कितना दिखा रहा था। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक केल्विन स्केल बनाऊँगा, अब तो ये एक स्केल बना दिया मैंने, केल्विन स्केल बना दिया, और ये बस समझाने के लिए है, ये मान के चलिए, सपोज कीजिए ये आपने जो थर्मोमीटर है इसके कंटेनर के अंदर डुबोया, तो इसने जो टेम्परेचर दिखाया वो कितना दिखाया, तो वो टेम्परेचर कितना था, वो था 0.01 degree centigrade, 0.01 degree centigrade, और इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। यानी कि जब वाटर तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में वाटर का, वो कितना होता है, 0.01 degree centigrade। अब यदि इस टेम्परेचर के हम जो है 273.16 टुकड़े कर दें, तो वो एक टुकड़ा है वो आपका जो है 1 Kelvin कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये अब हम एक स्केल बनाते हैं, ये स्केल है और इस स्केल के ऊपर ये जो रीडिंग है ये है 0.01 degree centigrade, इसके 273.16 टुकड़े कर दीजिए, तो ये जो एक टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा, ये कितना टेम्परेचर कहलाएगा, दिस इज द 1 Kelvin, दिस इज द 1 Kelvin। तो ये हुआ आपका 1 Kelvin का डेफिनेशन, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर हमारा कितना निकल गया है, यहाँ पे थर्मोमीटर को डुबाया तो 0.01 degree centigrade, ठीक है। इसका 0.01 degree centigrade का 1/273.16 हिस्सा जो है वो 1 Kelvin होगा, गॉट इट। तो ये हुई हमारी जो है 1 Kelvin की डेफिनेशन। तो अब ये जो है मान लीजिए 0 Kelvin है, ये 0 Kelvin है, तो 273.16 हमने जो है टुकड़े किए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 273.16 टुकड़े किए, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 273.16 Kelvin। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो है 0.01 degree centigrade किसके बराबर होता है, 273.16 Kelvin के बराबर होता है, गॉट इट। अब डेफिनेशन पे भी आ जाओ एक बार, द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि
वाटर का जो टिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है, ये वाटर हमने लिया, अब वाटर का टिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टेम्परेचर का 1/273.16वां पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 1 केल्विन। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन। होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू। यदि कोई दिक्कत फेस आप करते हो इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी जो है वो कमेंट जो है वो डाल सकते हो।